हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्न में। तो आज का हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मींस जीवित वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मींस निर्जीव वस्तुएं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स and some are non-living things. First, we will talk about living things. So can you tell me, children, what are living things? Yes, the things that have life are living things. ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें हम जीवित वस्तुएं कहते हैं। Like human beings, animals, plants एंड मैनी मोर। आई थिंक ये सवाल अब सबके माइंड में आ रहा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी वस्तुएं हैं, इनमें जीवन कैसे पाया जाता है या ये जीवित वस्तुएं क्यों कहलाती हैं। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इनकी विशेषताओं को जानकर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो टाइम के संग ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। लाइक अ बेबी ग्रोज इंटू अ चाइल्ड, देन इंटू एन एडल्ट एंड फाइनली एन ओल्ड पर्सन। द सेम वे अ पपी ग्रोज इंटू अ डॉग। लिविंग थिंग्स कैन मूव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, यानी वो चल सकते हैं। लाइक एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपने खाने की तलाश में, बाय यूजिंग देयर लेग्स। इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स। लिविंग थिंग्स कैन फील। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, मीन्स फील कर पाते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील। जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं उनके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, ये ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट सेंस ऑर्गन्स, आई हैव शेयर्ड द वीडियो लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो थ्रू इट। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं, यानी वो सांस ले सकते हैं। लाइक प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं, जो प्लांट्स की लीफ होती हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। उसकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं, ठीक है। एंड लीव इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफेयर। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी वो एक संतान को जन्म दे सकते हैं। लाइक एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक बर्ड्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक डॉग्स, बफेलोज, काउस एक्सेट्रा। In the same way, human beings also give birth to their young ones. Second is non-living things. Children, can you tell me
What are non-living things? Yes, the things that do not have life are non-living things. ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं. Like bus, umbrella, basket and many more. Let's understand through some characteristics of non-living things. Children, look at this picture. It's a pencil and it's a non-living thing. ये एक निर्जीव वस्तु है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता. Let's go through its characteristics. Non-living things cannot grow, move, feel, breathe and reproduce. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी अपडेट्स.